नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त यानी कनव चोपड़ा, आपका अपना मुसाफिर द ट्रैवल गाइड, आपके लिए आज एक नया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से बड़ा एपिसोड लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी के साथ की वजह से ही मैं हर संडे टू संडे, पहले जैसे मैं थर्सडे और संडे को वीडियो लेकर आता था, अब संडे टू संडे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, और बहुत जल्दी बाकी सारे शोज को भी फिर से वापस ला रहा हूं। तो आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहना चाहिए, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही इनकरेज करते रहिए, और अपने क्वेश्चंस की बौछार हमारे पर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास और बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरा है, इसीलिए इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेजर एयरपोर्ट्स के अराइवल प्रोसीजर्स की, जहां पर लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जहां पर लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है। सच अ हैवी वर्ड, आवागमन। दोस्तों, आवागमन हो रहा है, इसी वजह से तो बहुत ज्यादा सेफ्टी भी लेना जरूरी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ मैं मंदिरों के शहर जम्मू को कैसे भूल सकता हूं। तो 3+1, आपको 4 एयरपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दूंगा आज। और अगर आपको आपकी पसंद के किसी भी एयरपोर्ट जहां आप ट्रैवल करने जा रहे हैं वहां की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए उस एयरपोर्ट का नाम। चलिए दोस्तों, आज के एयरपोर्ट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं, और ये शुरुआत हम करेंगे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से। तो दोस्तों, राजधानी दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है 3 टर्मिनल्स है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ एक टर्मिनल 3 ही जो है वो ऑपरेशनल है। सिर्फ टर्मिनल 3 पर फ्लाइट्स आ रही हैं और वहीं से फ्लाइट्स वापस जा रही हैं। जैसे कि आपको लैंडिंग एयरपोर्ट पता लग गया कि दिल्ली में जब आप जाएंगे तो टर्मिनल 3 पर लैंड होंगे। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में जब आप अराइवल पर आते हैं तो अराइवल प्रोसीजर्स क्या हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करेंगे, आपका कोविड टेस्ट तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपको थर्मल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप बिल्कुल इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स की। जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स दिल्ली में लैंड करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है वंदे भारत फ्लाइट्स बहुत सारी आ रही हैं, जिसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स को इंडिया लाया जा रहा है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो इंडिया आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन बिल्कुल किया जाएगा। 7 days का गवर्नमेंट क्वारंटाइन और 7 days का होम क्वारंटाइन। गवर्नमेंट क्वारंटाइन में भी 2 तरह के क्वारंटाइन हैं दोस्तों, जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक है 7 days का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जिसमें आपको गवर्नमेंट के कोविड सेंटर्स में रखा जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आप क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर अ पेड क्वारंटाइन। गवर्नमेंट हैज अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ होटल जिन्हें उन्होंने चेक किया है, वो 100% सैनिटाइज है और क्लीन है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके रहने के लिए सेफ होटल्स हैं। उन होटल्स में आप 7 days का क्वारंटाइन काट सकते हैं। ये अराइवल प्रोसीजर्स थे अगर आप राजधानी दिल्ली में लैंड हो रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सपनों के शहर मुंबई की। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया।
दोस्तों मुंबई का अराइवल प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है। आपके फोन में सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं। इसीलिए आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाता, आप होम क्वारंटाइन के लिए जा सकते हैं। डोमेस्टिक जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोसीजर है, और अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं जो किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से मुंबई में लैंड हुए हैं, उनके लिए प्रोसीजर सेम है जैसा कि मैंने दिल्ली का बताया। 7 days का गवर्नमेंट क्वारंटाइन और 7 days का होम क्वारंटाइन। गवर्नमेंट क्वारंटाइन दो तरह का दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इधर यू कैन टेक इंस्टीट्यूशनल विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और यू कैन गो फॉर पेड क्वारंटाइन। ये 7 days का क्वारंटाइन खत्म करने के बाद आपको 7 days का होम क्वारंटाइन करना है। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हम एक एक शख्स भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान करना शुरू हो जाए, अपने सिम्टम्स को ध्यान से देखते रहें, तो सारा भारत एक दिन कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, सारे एरिया को स्वच्छ रखिए। और अब बात करते हैं सबसे सुंदर सिटी की और मेरी बहुत पसंद की सिटी की, यानी कि बेंगलोर की। बैंगलोर एयरपोर्ट का अराइवल प्रोसीजर क्या है, चलिए अब जानते हैं। दोस्तों अराइवल प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको आपके फोन में, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, 3 airports पे भी बोला है और नेक्स्ट जब जम्मू की बात करूंगा तब भी ये मस्ट है। इंडिया में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर रखिए। जब आप बैंगलोर में लैंड होते हैं तो पहले ध्यान रखिए, बैंगलोर एयरपोर्ट पर आपको अपना ई पास जरूर दिखाना है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, अगर आप बैंगलोर में या कर्नाटका के किसी भी शहर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ई पास जनरेट करना है, जिसके लिए इंटरनेट में एक पोर्टल अवेलेबल है जिसका नाम है सेवा सिंधु। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना पोर्टल से ई पास जरूर बना लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग से हर पैसेंजर गुजरेगा, लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक दिखते हैं तो आपको प्रॉपर कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। तो यही प्रोसीजर है बैंगलोर में अगर आप लैंड कर रहे हैं। अगर आपको ई पास बनाने में दिक्कत आती है या आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी और स्टेट के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे इजी वे है मुझे कॉन्टेक्ट करने का हमारा कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस स्टेट में जाना है, वहां का कौन सा अराइवल प्रोसीजर है जो आपको नहीं पता है। अगर आपको किसी स्टेट का अराइवल प्रोसीजर जानना है, मुझे छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, स्टेट का अराइवल प्रोसीजर टोटली अपडेट करूंगा। और आपका कोई भी डाउट होगा तो हमेशा 24/7 जैसा कि मैं आपको कहता हूं आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, जरूर बताएं। कोई ना कोई आपके व्हाट्सएप लिस्ट में ऐसा इंसान जरूर होगा जो ट्रैवल प्लान कर रहा होगा, तो मेरी वीडियो को जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, सो दैट लोगों को भी अराइवल प्रोसीजर आराम से पता लग जाए और किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। आप और मैं मिलकर सभी की हेल्प करेंगे, हम वीडियो को शेयर भी करेंगे और ऐसी ही वीडियो सभी के लिए बनाते रहेंगे। अब बात करते हैं मंदिरों के शहर, यानी कि मेरे शहर जम्मू की। अभी आपने देखी जम्मू की झलक, जिसे आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। दोस्तों जम्मू के अराइवल प्रोसीजर्स में एक बहुत कॉमन चीज है, अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बाय कार आ रहे हैं, किसी भी रास्ते से आप जम्मू में अगर एंटर कर रहे हैं तो अराइवल प्रोसीजर सभी तरह से सेम है।
अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो आपका मैंडेटरी टेस्ट होगा ही होगा। जब आप लैंड करेंगे जम्मू में, आपका एयरपोर्ट पे ही सैंपल ले लिया जाएगा, हर एक पैसेंजर क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। दोस्तों दो तरह के क्वारंटाइन अवेलेबल हैं, आप पेड ले सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल, आप दोनों क्वारंटाइन को अवेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन में कौन कौन है जिन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता, यानी कि जिनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। तो एक्सेप्शन केसेस सिर्फ वो हैं जो कोई भी लेडी या प्रेग्नेंट है, या वो किसी इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है, बट दे मस्ट कैरी देयर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स विद देम, क्योंकि यहां पर मेडिकल टीम आपके उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू गो फॉर होम क्वारंटाइन। एक और तरह की एक्सेप्शन भी है दोस्तों, जिन्हें ना क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल किया जाएगा ना होम। अगर आप बिजनेस या कॉर्पोरेट ट्रैवलर हैं और आप जम्मू में आ रहे हैं, तब आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं, लेकिन सैंपलिंग आपकी होगी। आपके पास विद इन 4 डेज जम्मू से वापस जाने की टिकट होनी चाहिए और आपके पास होटल कंफर्मेशन जरूर होना चाहिए। जब ये आपके पास है तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आप जिस होटल को चूज करते हैं वहां पर अपनी टैक्सी बुक करके आइए, वो आपको लेने आएंगे और आप सैंपलिंग करवाने के बाद उस होटल में जा सकते हैं। आपके लिए आज के एपिसोड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन 4 एयरपोर्ट्स के बारे में। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन, फीडबैक या कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पर एक नया शो लेकर आ रहे हैं, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड से आपके लिए एक स्पेशल सीरीज आ रही है, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके भेजे हुए क्वेश्चंस की। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका ये दोस्त और होस्ट आपके लिए जल्द नया एपिसोड लेकर हाजिर होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो ट्रैवल मत कीजिए, घर पर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।